राजस्थान में कांग्रेस के नेता अब कृषि कानूनों के विरोध का नया नया तरीका निकाल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कभी ट्रैक्टर चलाते हैं तो कभी ऊंट पर बैठ जाते हैं। नए नए तरीकों से कांग्रेस ही अब जनता को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। कांग्रेस की विधायक कृष्णा पुनिया ने भी चूरू जिले में किसानों के समर्थन में एक रैली निकाली, जिसमें खुद कृष्णा पुनिया ऊंट की सवारी करती हुई नजर आई। राजगढ़ चूरू से कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया की इस रैली में कई नेता शामिल हुए। किसानों के समर्थन में निकाली गई ऊंटों की इस रैली में 200 से भी ज्यादा ऊंटों को शामिल किया गया था। लोग बड़ी संख्या में इस ऊंट रैली को देखने उमड़े। पूरे देश में पीड़ा है, किसानों के खिलाफ जो तीन काले कानून आए हैं उसको लेकर, और आज के चूरू जिला की जो जनता है आज सड़कों पे उतरी है। दिल्ली की सरहद पे जितने हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं इन तीनों काले कानूनों के विरोध में, उन तक हम संदेश देना चाहते हैं कि चूरू जिले के जितने भी किसान भाई हैं, हमारे साथी हैं, युवा हैं, हर वर्ग आपके साथ खड़ा है और इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि ये तीनों काले कानून आप वापस लें। हमने रैली के माध्यम से ऊंट की दोबारा हमने रैली निकाली है और हमारे बहुत सारे किसान साथी जो ऊंट के दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। काफ़ी संख्या में हमारे लगभग 200 के करीब हमारे ये ऊँट रहे होंगे और साथ साथ दूर दूर से पधारने के लिए कि एक जोश इन्होंने जो दिखाया है और जो उत्साह दिया है, हमें ताकत दी है, हमें हौसला दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस रैली का आयोजन करने वाले पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा का दावा है कि देश में पहली बार किसान आंदोलन के समर्थन में इतनी बड़ी ऊंट रैली निकाली गई है। इस रैली के लिए गांव-गांव में ऊंटों को सजाकर लाया गया था। रैली के दौरान इन ऊंटों पर जनप्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी बैठे हुए दिखाई दिए। सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में रवाना हुई ऊंटों की ये रैली कलेक्ट्रेट तक पहुँचते पहुँचते किसान महापंचायत में तब्दील हो गयी। पुनिया के साथ मौजूद तमाम कांग्रेसियों ने कृषि बिल के विरोध में मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई।